गाइस यहां पर ये देखिए लोग लड़ रहे हैं देखो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक इन द न्यू ब्लॉग। क्या हालचाल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग ग्वालियर पहुंच गए थे बुआ जी घर, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने चिड़ियाघर, यहाँ के जो ग्वालियर का जो जू है वहाँ जा रहे हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें और ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गाइज, हम लोग पहुँच गए हैं जू में। ये पीछे जू है पूरा, देखिए आप। तो हम लोगों ने ले ली यहाँ पर, टिकट भी ले ली है, पर पर्सन 50 रुपये की टिकट है ले ली। हम लोग चार लोग हैं, दो हम लोग हैं, एक परी भी है, वो इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको आगे, और एक भैया भी आ रहे हैं अनिल भाई साहब। तो हम लोग चलेंगे सब साथ में ही। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर, एंट्री लेंगे। बैठी हुई हैं, ये मेरी भांजी है, तो इसके इस बार आदत नहीं है, तो ये थी यहाँ पर, तो इसको ले कर आए हम लोग साथ में। पहली बार हम लोगों ने ले लिया एंट्री जू के अंदर, तो अभी हम लोग चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक वाटरफॉल ही बना हुआ है, ये कभी कभी चलता भी है। पिछले बार जब हम आए थे तब चल रहा था, इस बार नहीं चल रहा है। ये ब्रिज बना हुआ छोटा सा, यहाँ पर बैठ हुए असली के कछुए। तो हम लोग अभी चलते जा रहे हैं, तो आते ही यहाँ पर सबसे पहले मिल चुकी हम लोग को ऑस्ट्रिच, दिखाते हैं आपको पास से। परी की यहाँ पर तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए परी शांत है बहुत। तो मिल चुके यहाँ पर ऑस्ट्रिच, देखिए लिखा हुआ है ऑस्ट्रिच के बारे में सब कुछ। देखिए ये वियर कितना पास आ चुका है, मैं देखिए परी देखती हुई वियर को। भाई बहुत बड़ा है, छोटा लग रहा होगा वीडियो में आपको, बड़ा बहुत है। लोगों ने अब देख लिया ऑस्ट्रिच और बियर दोनों, तो हम लोग जा रहे हैं अब आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है ईमू, ये देखिए यहाँ पर ये घूम रहा है, दिख रही है आपको पॉटमस, लेकिन दिख नहीं रहा है। अभी अंदर हुआ उसमें अपने हाउस में, हिप्पो पॉटमस बाहर आ चुका है गाइस, यहाँ पर बाहर देखिए पूल में। तीन है भाई, एक बड़ा है, एक छोटे हैं दो। चुके हम नेक्स्ट पर, यहाँ पे देखिए वाइट डियर हैं यहाँ पर बहुत सारे, देखिए कितना बड़ा एरिया इनके लिए, बाहर नहीं आ सके इसके लिए। इनके यहाँ बाउंड्री बनी हुई है, हर जगह बनी हुई है यहाँ पर, जितने भी यहाँ पे जो एनिमल्स हैं सब के पास। टाइगर में तो बहुत ज़्यादा बनी, दिखाएंगे आपको आगे। ये एलिगेटर क्रोकोडाइल, सॉरी बहुत पहले सुना, मैं छोटे पे आता था यहाँ पर तब, करीब 6-7 साल पहले, तब का बना हुआ है ये, अभी तक ऐसा ही बना हुआ। पीछे स्लाइड भी है कि ये देखिए आप, यहाँ पर मैं बहुत पहले आया था, 6-7 साल पहले आया था, तब से मैं भूल भी चुका हूँ सब कुछ। मैं तो मास्क हटा लेता हूँ, इसलिए सही आ नहीं रहा हुआ, इसलिए अब सही आ रहा होगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। हम लोग कर रहे हैं वेट अनिल भाई का, यहाँ पर वो आए तो हम लोग जाएँ आगे। अभी दो तीन ही देख पाए हैं हम लोग, अभी वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे आगे। तो यहाँ पर मिल चुके हैं, आ चुके हैं अनिल भाई साहब हमारे। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, क्रोकोडाइल दिखाते हैं हम, क्रोकोडाइल देखिए वो, देखिए एक उधर रेस्टिंग मोड में अभी ये सारे, देखिए वो देखिए उधर। आ रहे हैं ये लाइव दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पर। हम लोग क्रोकोडाइल देख लिया, हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट घड़ियाल, देखिए आप पीछे पास से दिखाते हैं आपको। तीन ही है यहाँ पर, एक वो बैठे हैं, दो वहाँ पर, एक इधर ये बैठा हुआ है।
गेट हुआ करता था इसका, इधर से आते थे जब मैं आया था छोटे में, बहुत साल 6-7 साल पहले, तो ये गेट इस गेट से एंट्री होती थी। अब लेकिन अब बंद हो गया, ये यहाँ का मैप लगा हुआ पूरा, तो अब ये बंद हो चुका है, इधर से अब गेट हो गया है। तो अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्नैक्स हैं, देखिए अभी दिखाते हैं आपको। स्नैक्स में यहाँ पे लिखा है नाग कोबरा, इसके अंदर कोबरा है, वो उसके वो लकड़ी का है, उसके अंदर है कोबरा। देखिए आप ये कोबरा, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको जी, देखिए ये है कोबरा अंदर। अभी चलते हैं नेक्स्ट पर ही हुआ, जैसे पाइपर ये रखा हुआ है इसके अंदर, देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको जी, देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए आप रखा हुआ है वाइपर इसके अंदर स्नेक पर, दिखाते हैं आप, कोशिश करते हैं दिखाने की। वो बैठा हुआ देखिए, ये बैठा हुआ है, इसके लिए खाना में रखा हुआ है, एक ऊपर बैठा हुआ लेटा हुआ, देखिए आप कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप, इसे अजगर कहा जाता है, देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए कितने सारे हैं लेटे हुए, वो उधर भी है, तीन चार है, बहुत सारे हैं इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट, हंस, काला हंस, ब्लैक स्वान, देखिए दिखाते हैं आपको, देखिए एक उधर भी है, अंदर इसमें बहुत सारे हैं, वो देखिए वाइट स्वान, वो देखिए उधर भाई, ये मैंडेरियन डक इधर यहाँ पर बैठी हुई है, दिखाते हैं आपको ये मैंडेरियन डक, कोरिलिना डक दिखाते हैं, ये है कोरिलिना डक, देखिए आप पैरेट्स हैं इधर ऊपर भी बैठे हुए हैं, नीचे देखिए कितने सारे हैं, देखिए इस अफ्रीकन ग्रे वो बैठे हुए ऊपर, दिखाते हैं आपको, चलते हैं नेक्स्ट। तो मुझे नहीं पता भैया बता रहे हैं इसको यही बोलते हैं हिंदी में, देखिए दिखाते हैं आपको, इसके बहुत सारे स्पाइंस होते हैं बैक पर, देखिए इसको हाथ नहीं लगा सकते, इसको हाथ नहीं लगा सकते आप, बहुत सारे स्पाइंस है इसके पीछे, देखिए आप। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आर्यन होता तो और भी मज़ा आता, तो वो आया नहीं है, इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट आगे। ये है नीलगाय, दिखाते हैं आपको ऊपर से, ये देखिए नीलगाय, तो नीलगाय कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में मुझे पता नहीं है, इसलिए इसका खाना डला हुआ है इधर, खाएगी अभी ये बजगर इगर, देखिए क्या है मुझे नहीं पता, आप दिखाते हैं आप, कोशिश करते हैं दिखाने, देखिए आप कितने सारे बैठे हुए यहाँ पर, कलरफुल कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, कलरफुल हैं सारे। अब रेस्ट, देखिए थक चुके हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, भाई साहब भी थक चुके हैं हमारे, सब थके हुए हैं, यहाँ मिल चुका हम लोग एक फाइटर जेट, ये रखा हुआ है, ये बहुत पुराना रखा हुआ है, मैं पहले भी आता तब भी यही रखा हुआ था, सीधे फाइटर जेट रखा हुआ है एक अंदर, देखिए यहाँ पर ये ऑफिस बना हुआ पूरा अंदर, फाइटर जेट इधर रखा हुआ है। ऐसा हम लोग जा रहे हैं देखने बब्बर शेर, दिखाते हैं आपको वाइट टाइगर, देख रहे हैं आप वाइट टाइगर, दिखाते हैं आपको, ये बैठा हुआ है इधर, इसके दो कब भी हैं साथ में, तो बैठा हुआ है बहुत बड़ा एरिया में इधर, इसके लिए खाली छोड़ दिया गया क्योंकि इधर जम करके भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर खाली है, इसलिए यहाँ बैठा हुआ है। वाइट टाइगर देख के आ चुके हैं, अब देखें वल्चर,
वल्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ बैठी हुई हैं बहुत सारी वल्चर, देखिए उड़ रही हैं। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, देखिए। यहाँ पर कितना बढ़िया लगा, उधर पार्क, इधर ये स्लाइड्स भी हैं, इसमें रेस्टोरेंट भी है। देखिए व्यू यहाँ का कितनी, यहाँ पर ये देखिए लोग लड़ रहे हैं, देखो वो दो है। लॉयनस तो आप देखेंगे लेपर्ड जो बैठा हुआ ऊपर दिखाते हैं आपको इस गाइस वो बैठा हुआ है, तो देख सकते हैं आप ये बैठा है, तो बुरा मान गया इसलिए ऊपर चढ़ गया वो, इसको नींद आ रही है लगता है। तो फाइनली गाइस हम लोग घूम चुके हैं जू में, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, अभी देखेंगे शायद हम लोग जाएंगे फूलबाग, तो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, अभी चलते हैं। ये दे जू से लौट कर, तो अभी हम लोग खा रहे हैं छोले कुलचे जो कि मेरे फेवरेट हैं, आपको पता नहीं है मैं बता दूँ, छोले कुलचे मेरे फेवरेट हैं, मैं हर जगह खाता हूँ, और ग्वालियर खा के देखते हैं कैसे, तो खाते हैं आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हमारे कुलचे छोले, ये रायता वायता सलाद सब है, तो अभी खाते हैं बताते कैसे थे। अभी हम लोगों ने खा लिए हैं छोले कुलचे, तो अभी हम निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी फूलबाग के लिए, अभी चलिए चलते हैं फूलबाग। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फूलबाग, ग्वालियर के फूलबाग में, तो दिखाते हैं आपको यहाँ कैसा कुछ है। फाउंटेन बना हुआ है, रात में चलता है यहाँ पर, तो ये फाउंटेन बना हुआ है वो रात में चलता है। यहाँ का व्यू देखिए आप, पीछे पहाड़, किला बना हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको दूर से, फूलबाग में ही है, पार्क भी बना हुआ है, देखिए आप यहाँ का व्यू देखिए आप, पूरा दिख रहा है यहाँ किला, देखिए बनी हुई है यहाँ पर स्लाइड्स, वो भी बना हुआ, हाथी बच्चे झूल रहे हैं, वो बने हुए दो डायनासोर्स, यहाँ पानी बरस चुका है बारिश की वजह से, कल ही बारिश हुई यहाँ पर, देखिए यहाँ का व्यू देखिए आप, पूरा किला दिख रहा है यहाँ। तो हम निकल रहे हैं घर के लिए, तो ये है इसका मेन गेट, फूलबाग का मेन गेट है ये, तो यहाँ से निकलते हैं चलते हैं घर। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, सो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड लव यू ऑल।